हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, UP SSC की तरफ से जो आज की लेटेस्ट न्यूज आई है वो आपको मैं बताता हूँ कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल में 734 कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आज की डेट में 500 पदों पर कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बाकी के 234 पदों पर अभी मंजूरी लेना बाकी है, बट जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि 500 पदों पर मंजूरी मिल गई है, तो इसका मतलब है कि वैकेंसी आपकी बिल्कुल आना फाइनल हो चुकी है। दूसरी बात है कि रही बात अब करेंगे सितंबर में कौन कौन सी वैकेंसीज आपके आने वाली हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। AGTA हो गया आपका, 3400 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है सितंबर में। और दूसरी वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जो कि सितंबर में आने वाली है। और इन वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे कि ये कब तक आ जाएंगी आपकी सितंबर में। तो जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है कि उसके पहले आपकी वैकेंसी आ जानी है, इवन जो डेट उन्होंने दिया है उससे पहले ही आ जानी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से यहाँ पर 3 नई भर्तियों को लेकर अपडेट है। परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल में 500 सिपाहियों की यहाँ पर भर्ती की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा मिल चुकी है। अब इन्हें समूह घा की बजाय समूह गा में माना जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। परिवहन के मंत्री जो दया शंकर सिंह जी हैं, इनके द्वारा कहा गया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल में 734 सिपाहियों के पद रिक्त हैं। फिलहाल 500 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। अब तक इन सिपाहियों को परिवहन विभाग भर्ती करता था, लेकिन अब इनकी जो भर्ती है वह UP SSC के माध्यम से होगी। अब UP SSC के माध्यम से यह भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जा सकता है। और बता दें, इसके लिए योग्यता अब इंटरमीडिएट कर दी गई है। सिपाहियों को वन विभाग के प्रवर्तन दल के समान पूरी सुविधाएं मिलेंगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही हैं उनको वन विभाग के प्रवर्तन दल के समान ही सारी सुविधाएं दी जाएंगी। वही ग्रेड पे होगा, वही सुविधाएं होंगी, और जो योग्यता ली जाएगी इसमें इंटरमीडिएट ली जाएगी, ठीक है। तो ये रही बात आपकी परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल वाले के सिपाहियों की। अब बात करते हैं आगे कि आपकी सितंबर में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की तरफ से सितंबर माह में असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाने वाला है। इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के 3500 पदों पर विज्ञापन भी जारी किए जाने की उम्मीद है, और ऑडिटर की भर्ती का विज्ञापन भी यहाँ पर जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहां से जानकारी मिली है कि 15 सितंबर के आसपास 1 से 2 विज्ञापन देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो मेरे तक न्यूज़ आई थी मैंने वो आप लोगों को अपडेट कर दिया है। बाकी आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, और भी जो न्यूज़ मिलेगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो जो अभी आपकी जानकारी मिली है वो 15 सितंबर के पहले ही आपको 1 से 2 विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका AGTA की का विज्ञापन और दूसरा असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो ये 2 विज्ञापन आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।